हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। कैसे हो आप सब? चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थ्री का लेसन नंबर थ्री इंग्लिश, तेनाली रमन ड्रॉज अ पिक्चर। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में तेनाली रमन नाम का एक आदमी रहता है जो एक पिक्चर बनाता है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा होता है। तो देखते इसमें क्या है, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखिए इसमें कौन कौन रहता है, कैरेक्टर्स हम पहले देख लेते हैं। तेनाली रमन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड। तेनाली रमन जो है ना, जो बोर्ड है, कौन सा बोर्ड उस पर ड्राइंग करते हैं, वहीं पर उसके सामने वो खड़े हैं, ठीक। अब एक मैसेंजर आता है, इसमें मैसेंजर है, तेनाली रमन है और किंग है, इतने लोग हैं, ठीक है। तो चलिए, एक मैसेंजर आता है, मतलब एक दूत जो संदेश लेके आता है, जो मैसेज लेके आता है। वो आके बोलता है, गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू। वो बोलता है, तेनाली रमन को विश करता है, गुड आफ्टरनून सर, मतलब किंग आपको बुलाते हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। रमन बोलता है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। मैसेंजर गोज अवे। देखिए वो ऐसे बोलता है, मतलब चुप रहने के लिए ऐसे बोलता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। तब क्या होता है, मैसेंजर वहां से चला जाता है। किंग, अब किंग आते हैं, वॉक इन, अंदर टहलते हुए आ जाते हैं। रमन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग। रमन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो। रमन, योर मजेस्टी, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, मतलब आपका सम्मान हो, मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा था, मतलब सरकार, मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। किंग बोलते हैं, आई सी, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। ओ अच्छा, मैं पिक्चर देखना चाहूंगा। किंग बोलते हैं, मैं पिक्चर देखना चाहूंगा। रमन बोलते हैं, हियर योर मजेस्टी, दिस इज माय पिक्चर। सरकार, ये मेरा पिक्चर है, ये मेरा चित्र है, ठीक है। तो किंग बोलते हैं, इज दिस अ पिक्चर, क्या ये एक पिक्चर है। व्हाट हैव यू ड्रॉन रमन, प्लीज एक्सप्लेन। वो किंग बोलते हैं, अरे रमन, तुमने क्या ड्रॉ किया है, प्लीज यार, कृपया तुम मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे पूरा इसका बताओ, अच्छे से बताओ तुमने क्या किया यहाँ पे। रमन बोलते हैं, I was drawing a cow eating loads of grass. अच्छा, रमन बोलते हैं कि मैं एक गाय बना रहा हूँ और गाय जो है ना, घासों का ढेर खा रही है, ठीक है, बहुत सारा घास रखा हुआ है और उसको वो खा रही है। तो किंग बोलते हैं, loads of grass, घासों का ढेर, I can't see any grass here. मुझे कोई भी घास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं नहीं देख सकता हूँ घास वास यहाँ पे। रमन बोलता है, आह, दैट बिकॉज द काउ एट इट। देखो रमन बोलता है, बड़ा मजा किया है, वो बहुत जोक कर रहा है, बोल रहा है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गाय है ना, वो पूरा घास खा चुकी है। तो कैसे दिखेगा, घास जो है पूरा, जो काऊ जो मैंने बनाया था ना, वो घास पूरा खा लिए, तो आपको कैसे दिखेगा। किंग बोलते हैं, एंड वेयर इज द काऊ, अच्छा घास तो खा लिए, चलो ठीक है, लेकिन गाय किधर है, फिर काऊ किधर है। रमन बोलते हैं, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, द काऊ वॉक्ड अवे। योर मजेस्टी, बोलते सरकार, घास खा लेने के बाद गाय चली गई, यहाँ बैठी थोड़ी है, मतलब चली गई, वो भी निकल ली यहाँ से, गई वो। किंग बोलते हैं, हा 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 रमन, यू ऑलवेज मेक मी लाफ। किंग को हंसी आ गई, हंसने लगे, बोलते रमन, तुम मुझे हमेशा हंसाते रहते हो, कितना इंटरेस्टिंग लेसन था ये, कितना प्यारा लेसन है, ऐसा जोक आप भी एक दूसरे के साथ करो, ठीक है, संभाल के सामने वाला भी जोक को बर्दाश्त कर सके, नहीं तो आपको पीटने भी लगेगा लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छा लगा ना आपको ये लेसन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।